नमस्कार, आप देख रहे हैं JNI न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह वर्मा। मसौली पुलिस की काली करतूत सामने आई। बाराबंकी जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूरा मामला ग्राम व पोस्ट बांसा थाना मसौली का है, जहां के निवासी दीप कुमार उम्र 30, जिसको मसौली पुलिस चोरी के इल्जाम में पूछताछ के लिए उठाकर ले गई थी। लेकिन जब दीप कुमार ने बताया कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, तभी मसौली पुलिस ने गुस्से में आकर दिलीप की जमकर पिटाई की और उसकी हालत गंभीर हो गई। दिलीप को जिससे काफ़ी चोटें आई हैं और उसे तुरंत CSC पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बाराबंकी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। दिलीप का इलाज अभी चल रहा है। यही नहीं, दिलीप ने बताया कि मसौली पुलिस अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए, मसौली पुलिस ने दिलीप से कहा मारपीन और कट्टे में दिखाकर जेल भेजकर भविष्य बर्बाद करने की भी बात कही, जबकि शिकायती पत्र में नामजद रिपोर्ट की गई है, जिसमें दिलीप कुमार यादव पिता हरि प्रसाद यादव का नाम शामिल भी नहीं है। वहीं थाना अध्यक्ष मसौली पंकज का कहना है कि हमने डॉक्टरी करवा कर भेजा था, लेकिन चोटों के निशान के मुताबिक यह लगता है कि पुलिस अपनी मनमर्जी से कराई गई है। अब देखना यही होगा कि बाराबंकी जनपद के तेज तर्रार नवागत पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स इस मामले में मसौली पुलिस पर क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर बाराबंकी पुलिस की गुंडागर्दी यूं ही चलती रहेगी। आइए देखते हैं कुलदीप वर्मा की रिपोर्ट। JNI न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। सर इतना मारा है, इस कान से सुन नहीं पड़ रहा है और सारे शरीर लात घूंसों से पट्टों से नहीं, इतना मारा है, देख लीजिए आप। आपके साथ जो है कौन सा थाने का मामला है? थाना मसौली है। आप कौन से गांव में रहते हैं? बांसा में रहते हैं। तो आपको उठा के चोरी में लगा गया? चोरी में पूछताछ के लिए हमको लाए, कहने लगे चलो आप पूछ लेंगे बड़े साहब, वहाँ से मुझे बैठा लाया थाने में, फिर थाने में मुझे पीटा। विधायक जी, आप क्षेत्रीय विधायक है, मसौली की पुलिस ने जो असल में एडमिट है क्लिनिक ठंड के इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है और पुलिस के द्वारा, पुलिस जो है उत्तर प्रदेश सरकार के बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है और कई जिलों में डोरदी अध्यक्ष हो चुकी, कई लोग जो पुलिस कस्टडी में उनकी जान जा चुकी है। और इसी तरीके का जो पहल है, जो हमारी विधानसभा मसौली जो बांसा गाँव के लड़का है, और इसको कल पुलिस ने पकड़ा के इसको बुलाया गया था थाने में पूछताछ के लिए। गाँव में चोरी हुई थी, ये अपना साधारण व्यक्ति अपना चला गया, लेकिन पुलिस ने इसको जबरदस्ती, जैसा कि आपने खुद ही पूछा उससे, उसे जबरदस्ती बुलाया जा रहा था कि आप इनका नाम ले लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। और तो क्यों ये नाम ले लिए भाई, जब उसने संदिग्ध नहीं था, ना इसने चोरी करी, जिसको जानता नहीं था। पुलिस के द्वारा इसको काफी प्रताड़ित किया गया, आप देख रहे हैं कितना चोट लगी हुई इसको। तो यही है आप सब लोगों से, और मैं चाहूंगा कि, मांग करता हूं कि जो दोषी हैं पुलिस कर्मचारी, पुलिस वाले, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। अच्छा, जो है आज की हटाई से किस हुआ करती है, तो आप सरकार से क्या कह रहे थे, क्या मांग करना चाहते हैं? जो सरकार है, सरकार खुद ही चाहती है कि जो उनकी कमियों को छुपाने में पुलिस को हमेशा आगे करती आई है और करती रही है, तो हमें सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र का मामला है, मैं प्रयास करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। मसौली थाना क्षेत्र के गांव बांसा के रहने वाले दिलीप कुमार यादव ने ये, इनका कहना है कि मसौली पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने ले गई थी, जहां पे इनके साथ इन्हें प्रताड़ित किया गया और इन्हें मुकदमे फंसाने की धमकी आदि दी गई। इस समस्त प्रकरण की जांच हेतु पुलिस अधीक्षक बाराबंकी महोदय ने जांच अपर पुलिस अधीक्षक बाराबंकी उत्तरी को सौंप दी है और उनकी जांच रिपोर्ट आ जाए तो जो भी तथ्य निकल कर आएंगे, तदनुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।